हम लोग जाने वाले थे आइसलैंड, क्योंकि इस एरिया में हैवी साइक्लोन आने वाला। 0.05 एटमोस्फेयरिक प्रेशर है बैरोमीटर में, बैरोमीटर में कुछ भी नहीं दिख रहा है, विजिबिलिटी एकदम पुअर हो चुकी है। और हमें सिर्फ रडार के ऊपर ही ध्यान देना होगा। के लिए ये साइक्लोन जो यहाँ पे उठ रहा है इससे बचने। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे स्नेक ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ फॉरवर्ड मूविंग, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तैयार हो रहा हूँ, क्योंकि टॉप्स चेक करनी है। अभी हमें कनाडा में कॉर्नर ब्रॉक पोर्ट का नाम है, यहाँ से हमारे सिप सेल होगा आइसलैंड के लिए। तो काफ़ी रोचक ये वीडियो होने वाला है, आइसलैंड तक का, कनाडा से आइसलैंड तक का मैं पूरा वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा, सी में, एट सी, ऑन द ब्रिज। तो बने रहिए। तो ये हमारे जहाज़ के बॉसन है। अपना जहाज काफ़ी बड़ा है, इसका फ्री बोर्ड है काफ़ी ज़्यादा, तो विंड का इफेक्ट इसमें होता है काफ़ी खास। तो ये अपनी नायलॉन ब्रेडेड रोप, सिंथेटिक फाइबर से बनी होती है। ये रोपे बहुत महंगी आती हैं, जितने में हम अपने नॉर्मल जहाज़ों की रोपे खरीदते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे सफ़ेद वाली, अब देखा होगा ये वाली, जितने में उसके दो कॉइल आएंगे उसमें इसका एक कॉइल आएगा। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मोटी है, 72 mm या फिर उससे भी ज़्यादा मोटी होगी। और यहाँ पे हमारे प्रसाद जी भी फॉरवर्ड मूरिंग पे हैं, सारे बंदे हैं अभी यहाँ पे फॉरवर्ड मूरिंग के लिए स्टैंड बाई हैं। ये 6 रोप आगे से बांधी है और 6 रोप पीछे से, इतना बड़ा फ्रीबोर्ड का जहाज़ काफ़ी ज़्यादा विंडी है, उसके बाद ये रोप जहाज को अलोंग साइड लगाने के लिए काम आता है। आपको 2, 2 and 2 का मतलब समझाता हूँ, यानी कि 2 हेडलाइन डाली हमने, 2 ब्रेस्ट लाइन और 2 हमारी स्प्रिंग रोप हैं। 5 बजे हम लोग डिपार्ट हुए थे, तो अभी मैं जा रहा हूँ ब्रिज पे, 8 से 12 मेरी वॉच है। ब्रिज जहाज़ का वो स्थान रहता है जहाँ से पूरे जहाज़ को ऑपरेट किया जाता है, पूरे जहाज़ का कंट्रोल सिस्टम जहाँ पे रहता है, और वो टॉप मोस्ट डेक में रहता है, उसको जहाज़ का ब्रेन भी बोलते हैं। पहले आज रात का व्यू दिखाऊंगा ब्रिज में, पूरा नाइट व्यू दिखाऊंगा, समझ तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि लाइट सारी बंद रहती है। लाइट बंद रहने का कारण आप थोड़ा सा सोचोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब हम गाड़ी चलाते हैं अंदर की लाइट अपने आप ही बंद कर देते हैं ताकि बाहर क्लियर दिखे। और जैसे लेकिन गाड़ियों में क्या रहता है, बाहर की हेडलाइटें रहती हैं, यहाँ पर जहाज़ का कोई हेडलाइट नहीं रहता, यहाँ पर सिर्फ नेविगेशन लाइट रहती है। तो ये चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ नाइट व्यू, चलिए बढ़ते आगे। ओके दोस्तों, तो हम लोग ब्रिज में एंटर कर चुके हैं। नॉर्मली सारे इक्विपमेंट सेफ्टी रिलेटेड यहाँ पे हैं, रात में कुछ भी नहीं दिखेगा साथियों, सिर्फ लाइट है, वो भी पैनल्स की, इक्विपमेंट्स की, जो जो काम कर रहे हैं। हीलिंग टैंक है, ऑलमोस्ट 1/2 डिग्री हमारे पास लिस्ट है, ये हीलिंग पंप से जहाज को अपराइट करने के लिए। ब्रिज विंग में आया हूँ, बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ, सामने जो लाइट दिख रही है मून शाइन हो रहा है, मून लाइट है, और इसके अलावा कोई भी लाइट आपको यहाँ पे आसपास दिखाई नहीं देगी। 11 बज चुके हैं और ये पीछे को हमारे ही शिप की लाइट है, ये हमारे जहाज़ का पीछे का हिस्सा है। पहला दिन हमारा सी डे का, कल शाम को 5 बजे हम निकले थे कनाडा से, अभी तक कनेडियन कोस्ट में ही घूम रहे हैं, अटलांटिक ओशियन में एंटर करेंगे आज शाम तक। वेदर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है मेरे सामने, आप देख सकते हैं सुबह 9 बजे का टाइम है, अराउंड 10 से 15 नॉटिकल माइल की विजिबिलिटी है, एकदम सनी डे है। टेम्परेचर थोड़ा सा ड्रॉप डाउन हुआ है, मैं आपको बैक कैमरा में दिखाऊँ, हवाएँ बिल्कुल नहीं है, एकदम शांत समंदर है यहाँ पे एकदम से। देखिए 14, आप देख सकते हैं 15-14 का टेम्परेचर है, यानी कि 15 डिग्री वेट एंड ड्राई, 15-14। अटलांटिक में जाएंगे तो थोड़ा सा और नीचे जाएगा टेम्परेचर। और चलिए मिलाता हूँ मैं आपको अपने साथियों से। तो साथियों, ये हमारा खूबसूरत सा ब्रिज जो मैंने आपको दिखाया था, हमारे साथी सहकर्मी आप देख सकते हैं थर्ड ऑफिसर पेट को। ये हमारे थर्ड ऑफिसर पेट को, ये बुल्गारिया से हैं, और ये हमारे एंड्रियान सेकंड ऑफिसर जो रोमानिया से हैं, हमारे साथी हैं जो फिलीपींस से हैं, जो सर स्पेशली फ्रॉम द इंजन गाइस आउट देयर, वी आर नाउ हियर इन अटलांटिक, वी गोइंग टू गो नॉर्दर्न आयरलैंड, एंड या आवर वॉच इज 8 to 12 टुगेदर विद दिस गाय चंद्रन।
ओके, तो ये थे हमारे सहकर्मी जो जिनको मैंने आपको मिलाने की कोशिश की। तो गाइस एक चीज़ मैं आपको आज दिखाना चाहूँगा, हम लोग जाने वाले थे आइसलैंड क्योंकि इस एरिया में हैवी साइक्लोन आने वाला है। कैप्टन ने डिसाइड किया है, पूरा जहाज का रूट ही कन्वर्ट डाइवर्ट कर दिया है। हम लोग अभी जाएंगे सीधे यूके कोस्ट में, नॉर्थ आइलैंड के समवेयर इधर कॉब में, पोर्ट ऑफ कॉर्क, इस एरिया में हम लोग जाने वाले हैं। तो हैवी वेदर की वजह से, साइक्लोनिक विंड की वजह से वार्निंग जो थी हमें वेदर फोरकास्ट में, उसकी वजह से हमने रूट पूरा जहाज का डाइवर्ट किया हुआ है। और यहाँ भी कुछ विंडी होने वाला है, बीच में थोड़ा सा मिलेगा हमें रफ, ज़्यादा रफ तो है नहीं, वेदर बाकी ठीक है। आगे जाके प्रेशर, लो प्रेशर यहाँ पे बन रहा है मिड अटलांटिक में, हम लोग यूँ निकल के आएंगे क्योंकि रिकवीक तो कैप्टन ने मना कर दिया है। यहाँ भी बाद में लो प्रेशर का आ रहा है और विंड काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने वाली है, 50 से 65 नॉट तक विंड जाने वाली है। और हम लोग इसलिए सीधे हेडिंग करेंगे यहाँ से अपने यूके के लिए। तो इस चीज़ से बचने के लिए, ये साइक्लोन जो यहाँ पे उठ रहा है इससे बचने के लिए हम लोग सीधे जाएंगे यूके। प्रेशर मैं आपको चेक करके दिखाते हैं क्योंकि ये चीज़ हम मॉनिटर करते रहते हैं। देखिए 1005 एटमोस्फेयरिक प्रेशर है बैरोमीटर में, बैरोमीटर तो आप जानते ही होंगे। भी नहीं दिख रहा है, विजिबिलिटी एकदम पुअर हो चुकी है, पुअर क्या, विजिबिलिटी जीरो हो चुकी है। एक घंटे पहले मैंने आपको दिखाया था काफ़ी ज़्यादा क्लियर वेदर था, 10 नॉटिकल माइल तक हम लोग देख सकते थे, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। हमें सिर्फ रडार के ऊपर ही ध्यान देना होगा। हम लोग लकी हैं कि कोई आसपास जहाज नहीं है हमारे अभी पूरे रडार में। आगे जाके हम लोग TSS भी क्रॉस करना है, TSS में इंटर करेंगे हम लोग। तो गाइज मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं जीरो विजिबिलिटी है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। हम लोग रिस्पेक्टेड विजिबिलिटी से अभी पास हो रहे हैं क्योंकि इस एरिया में पता नहीं नॉर्मली इतना ज़्यादा फॉग अचानक से आ गया। एक घंटे पहले मैंने आपको दिखाया था एकदम क्लियर स्काई था, क्लियर विजिबिलिटी थी। काफ़ी मुश्किल होता है जब आपको कुछ नहीं दिख रहा होता है ना, बहुत मुश्किल होता है उस टाइम पे नेविगेट करना सिक्को। हम लोग दे रहे हैं फॉग सिग्नल ताकि सामने वाले जहाज को पता चल सके। तो एक और सीडे की शुरुआत हो चुकी है, आज हमारा दूसरा सीडे है कनाडा से। हम लोग जब से निकले गर्मी से कर रहे हैं, वेदर काफ़ी अच्छा है। कल रात को पूरा फॉगी था, कल रात तक भी फॉगी था, अभी देखा जब भी मैं ब्रिज में आया तो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि एकदम क्लियर हो चुका है और काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी लगभग 15 नॉटिकल माइल तक दिख रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं सुबह के 8 बज चुके हैं लगभग, टेम्परेचर थोड़ा बहुत नीचे जा चुका है, लगभग 5 से 6 डिग्री के आसपास में टेम्परेचर अभी है। और देखा जाए तो वेव हाइट भी 3 से 4 मीटर है जो अपने हेड से आ रहा है, ज़्यादा इफेक्ट है नहीं इसका भी। और साउदर्ली विंड है अभी भी, 15 नॉट की विंड अभी चल रही है, ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं है। हम लगभग ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए सामने सन भी राइज हो रहा है और हम लगभग 075 डिग्री की हेडिंग में चल रहे हैं, यानी कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं। मेरे सामने देख सकते हैं ये पानी से, पानी वाष्पित होके क्लाउड में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ से ये क्लाउडी, क्योंकि फॉग ही रहता तो पूरा डेंस फॉग रहता, लेकिन ये पानी से ऊपर आके भाप बन के ऊपर आसमान में जा रहा है, बाद में जाके क्लाउड में कन्वर्ट होके यही ज़मीन में जाके फिर बारिश करते हैं। एक्चुअली ये स्पेशली ऐसे एरिया में होता है जहाँ पे आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा जल संधि गर्मी, ठंडी और गर्म जल की धाराएं जहाँ पे मिलती है उस एरिया में ऐसा नॉर्मली देखने को मिलता है। लॉन्गिट्यूड सेम लॉन्गिट्यूड है जहाँ पे टाइटेनिक डूबा था, यहाँ पे अगर 7 लेटिट्यूड, अगर थोड़ा सा और साउथ में जाएंगे तो वो एग्जैक्ट लोकेशन पे टाइटेनिक डूबा था, यानी कि यहाँ से लगभग 200 माइल साउथ की ओर जाएंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगी जहाँ पे टाइटेनिक डूबा था। विंड ने अपना डायरेक्शन चेंज किया, निकल रहे हैं शायद इसीलिए कैप्टन ने मना किया था यहाँ आइसलैंड जाने के लिए। देखिए कितने डार्क स्पॉट, कितना हैवी विंडी यहाँ पे होने वाला है, आज से ही स्टार्ट हो गया और इसका इफेक्ट यहाँ तक आने वाला है। और अगर बात करें हम 10 तारीख की तो पूरा मौसम यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा डार्क स्पॉट जो भी है, बहुत ही ज़्यादा रफ वेदर यहाँ पे है, बहुत तेज़ हवाएं यहाँ पे हैं, साइक्लोनिक वार्निंग यहाँ पे है। हालांकि इसका इफेक्ट यहाँ भी देखने को मिलेगा लेकिन फिर भी सेफर देन आइसलैंड।
दोस्तों एक बार फिर से फॉगी वेदर हो रहा है, विजिबिलिटी वापस से नीचे चली गई। मौसम अभी साफ लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी। एक्चुअली पिछले 3-4 दिन से हम कंटिन्यू रिस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी में सेल कर रहे थे, कुछ दिख नहीं रहा था सामने। फिर उसके बाद भी हम लोग कंटिन्यू चले जा रहे थे। आज फाइनली मौसम थोड़ा सा खुला है लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी है। मौसम काफ़ी शांत, समुंदर काफ़ी शांत, अटलांटिक ओशियन हमने ऑलमोस्ट क्लियर कर लिया है। कल का दिन हमारे पास बचा है, परसों सुबह हम लोग पहुँच जाएंगे मोबाइल लैंड में। आप लोग देख सकते हैं आसमान पूरा बादलों से ढका हुआ है। लगभग 700 नॉटिकल माइल हमने और जाना है यहाँ से। लगभग 15 से 20 नॉट की विंड अभी यहाँ पे चल रही है, नॉर्मल है ओशियन में इतनी। तो इस टाइम पे जब भी विंटर आने वाला रहता है ना, ओशियन को मैंने इतना शांत कभी देखा नहीं है, स्पेशली नॉर्थ अटलांटिक को, क्योंकि यहाँ पे हमेशा रफ मिलता है। लेकिन हम लकी हैं, इस बार हमें काफ़ी शांत वेदर मिला है। सदा इज नॉट विंड स्पीड और आगे भी और ज़्यादा बढ़ेगा, लगभग 35 तक तो अभी जा ही रहा है। मैं अपने रूटीन चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, ये मंथ का रूटीन चार्ट है और यहाँ पे नॉर्मली रहता है कितना इस महीने में यहाँ पे प्रेशर रहेगा। ऑलमोस्ट हम लोग इस एरिया में हैं, इस एरिया में हैवी साइक्लोन आया है, इसका इफेक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है हमें अपने रूट में। चलिए वेदर फोरकास्ट दिखाते हैं। विंड देखिए कितना हैवी विंड है, ये ऊपर आइसलैंड के पास में एकदम नॉर्थ में, और ये हमारी पोजीशन है यहाँ पे एकदम ग्रीन जोन में है, मिड ऑफ अटलांटिक में है। थोड़ा लो प्रेशर इधर बन रहा है विंड का, थोड़ा साइक्लोनिक वार्निंग। देखिए इधर इस एरिया में कितना ज़्यादा साइक्लोन आया हुआ, आज की डेट का वेदर रिपोर्ट है। तो आज का ही हमारा लास्ट सी डे है, सुबह के 9 बज रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा विंड तेज है क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारे पोर्ट साइड में यानी कि आइसलैंड के कोस्ट के आसपास हैवी साइक्लोन है, उसका इफेक्ट यहाँ तक देखने को मिल रहा है। 2.5 मीटर या 3 मीटर मैक्सिमम हमारे वेव साइड है यहाँ पे, ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे है नहीं, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि उस साइड में काफ़ी ज़्यादा हैवी साइक्लोन है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत तेज़ी से ड्रॉप हो रहा है। लग रहा है कि कल या कल शाम से इस एरिया में भी इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। एनीवे तब तक तो हम ये एरिया क्लियर कर जाएंगे, कल सुबह हम पोर्ट में लग जाएंगे। मेरे पीछे आप लोग ये वाइट पैचेस देख सकते हैं समंदर में, जिनको हम नॉर्मली सी हॉर्स भी बोलते हैं, ये भी यहाँ पे दिखने स्टार्ट हो गई, यानी कि विंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी है धीरे धीरे। तो गाइस ये था हमारा छोटा सा वीडियो, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को हमारे ऐसे ही रोचक वीडियोज़ के लिए। मिलेंगे किसी नए कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त हो, धन्यवाद।